हेलो इंजीनियर्स, आज हम सेंसर टेक्नोलॉजी के एक गर्मागर्म बहस पर बात करेंगे। टू वायर वर्सेस थ्री वायर सेंसर, आपको कौन सा चुनना चाहिए? पहले बेसिक्स समझ लेते हैं। टू वायर सेंसर सिंपल और लगाने में आसान होता है। यह आपके लॉड के साथ सीरीज में लगता है, मतलब पावर और स्विचिंग के लिए एक ही लाइन यूज करता है। लेकिन ये सिंपलिसिटी आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को कम कर सकती है। हाई वोल्टेज ड्रॉप और शेयर्ड पावर लाइन रिस्पांस टाइम को स्लो कर सकते हैं, खासकर जब आप कई सारे सेंसर एक साथ लगाते हैं। दूसरी तरफ थ्री वायर सेंसर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। दो लीड्स पावर देती हैं, जबकि तीसरी लॉड को स्विच करती है। ये कॉन्फ़िगरेशन बेहतर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ये पावर सप्लाई को सिग्नल लाइन से अलग रखता है और ये हाई ओमिक लॉड्स को हैंडल कर सकता है, जो प्रिसाइज मेजरमेंट वाले सिस्टम्स के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं 420 mA सिग्नल्स की। टू वायर टेक्नोलॉजी के साथ आपको कम वायर्स, बेहतर EMC प्रोटेक्शन और कम वायरिंग एरर्स मिलते हैं। लेकिन थ्री वायर टेक तब चमकता है जब आपको हाई इम्पीडेंस लॉड्स ड्राइव करने की जरूरत होती है। तो सीख क्या मिली? अगर आपको सिंपलिसिटी और रिलायबिलिटी चाहिए तो टू वायर सेंसर के साथ जाइए। ये ज्यादातर कामों के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट को हाई प्रिसीजन चाहिए और आप थोड़ी ज्यादा वायरिंग हैंडल कर सकते हैं तो थ्री वायर सेंसर बेस्ट है। संक्षेप में, दोनों के अपने फायदे हैं। अपनी जरूरत और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चुनें। कोई सवाल कमेंट्स में लिख डालो और ज्यादा टेक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।